नमस्कार दोस्तों, अलग अलग समाचार पत्रों मीडिया से कुछ बेहद बड़ी जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यदि आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। पहली बड़ी खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 7 साल तक की सजा काट रहे कैदियों को रिहाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अटकलें शुरू हो गई कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद की पैरोल पर फैसला हो सकता है। तो वहीं इस फैसले के आते ही कांग्रेस के मंत्री बादल पत्रलेख खुले तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद को रिहाई मिलनी ही चाहिए, जिसके बाद विधायक इरफान अंसारी भी लालू के पक्ष में उतर आए। बताते चले कि चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव पहले से ही किडनी समेत 14 अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित है, जिसके कारण उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में रखा गया है। तो वहीं वर्तमान में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं। अगली बड़ी खबर देश में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। देश में आज लॉकडाउन का 20वां दिन है। एक दिन बाद 14 अप्रैल को लॉकडाउन का अंतिम दिन होगा, लेकिन कोरोना वायरस के मामले कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लगे हैं। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अब तक संक्रमितों की संख्या 9,166 पार कर चुकी है, जबकि 325 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि 1161 लोग ठीक हुए हैं। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये आंकड़ा बढ़ चुका होगा। अगली बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से। पिछले दिनों बेगूसराय निवासी सीमा सुरक्षा बल के जवान राम उदय दास की कश्मीर में ड्यूटी के दौरान असामयिक मौत हो गई थी, जिसके तुरंत बाद जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार ने मौत के तुरंत बाद शोक व्यक्त करते हुए सरकार से पार्थिव शरीर लाने में सहयोग करने तथा लोगों से कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धांजलि देने की अनुरोध किया। उन्होंने कहा, अभी हमारे जिले के लोग अपने सपूत शहीद बीएसएफ जवान चंदन कुमार के शोक से उबड़े भी नहीं थे कि इस मिट्टी ने अपने दूसरे लाल राम उदय दास को खो दिया। उन्होंने कहा, देश की सेवा में जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को नमन करता हूँ। अगली बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप को लेकर। कोरोना वायरस के कहर के बीच रविवार शाम 5 बजे के करीब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग प्रकृति के दोहरे मार की आशंका जताने लगे। तो वहीं भूकंप के झटके दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी भूकंप के झटके 5 सेकंड के लिए महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बताते चले कि भूकंप का केंद्र दिल्ली यूपी था, वहीं इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। तो वहीं इस भूकंप आने के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, आशा है कि सभी लोग सुरक्षित हों। मैं आप में से हर एक की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। चीन की सरकारी बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना अर्थात पीबीओसी ने देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक एचडीएफसी लिमिटेड के करीब 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सेंट्रल बैंक ने कंपनी के 1,74,92,909 यानी 1.01% शेयर खरीदे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इस समय दुनिया भर की कंपनियों में निवेश किया है। हाल ही में चीन ने बीपी पीएलसी और रॉयल डच सेल पीएलसी जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। बताते चले कि चीन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है। तो वहीं वर्तमान में चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगली बड़ी खबर रियल एस्टेट कारोबार को लेकर। रविवार को देश के सबसे बड़े बैंक SBI अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार और रियल एस्टेट सेक्टर की संस्था नाडेको के साथ वर्चुअल यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से बातचीत हुई, जिसके बाद SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने इस सेक्टर को अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब बाजार में पहले घर खरीदने वालों और निवेशकों का तांता लगा रहता था और आप सिर्फ 5 वर्षों की अपनी लागत के मुकाबले दोगुनी कमाई कर सकते थे, लेकिन अब वे दिन लौट कर आने वाले नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को यह सलाह भी दी कि उद्योग को खर्च घटाने और जल्द से जल्द लाभ में आने की कोशिश करनी चाहिए। बताते चले कि रियल एस्टेट सेक्टर इकोनॉमी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो वर्तमान में 15% GDP तथा लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां से देश में फैले कोरोना के 25% मामले जुड़े हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 1900 हो गई तथा 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 1100 संक्रमितों तथा 19 मौतों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है तथा तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमशः तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश बनी हुई है। अगली बड़ी खबर पंजाब के पटियाला में निहंगों के उत्पात को लेकर। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच पंजाब के पटियाला की सनौर सब्जी मंडी में निहंग सिखों ने रविवार को जमकर हंगामा किया। पंजाब पुलिस के अनुसार कुछ निहंगों ने गाड़ी में सवार होकर जबरदस्ती सब्जी मंडी में घुसने का प्रयास कर रहे थे,
जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच उसने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें से एक निहंग ने तलवार से एएसआई का हाथ काट दिया और दो पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। तो वहीं मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमले करने वाले निहंगों को सख्ती से निपटा जाएगा। अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने की योजनाओं को लेकर। शनिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद पीएम मोदी ने जान भी जहान भी का एक नारा दिया था, जिसके बाद अब सरकार इस नारे को अमली जमा पहनाने में जुट गई है। सरकार ने कहा कि वे कोरोना से लोगों की जान बचाने के साथ साथ उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी बचाना चाह रहे हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से एक एक कदम उठाया जाएगा। खबरों के सिलसिले में अंतिम खबर विश्व में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। करीब 3 महीने से विश्व में तबाही मचा रही कोरोना वायरस अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या अब 18,13,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,13,000 के करीब मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर यह है कि 4,15,274 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। बताते चले कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान विश्व शक्ति अमेरिका को पहुंचा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना।